हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2000 का जो नोट है वो क्यों बंद किया गया है और इसे बदलने की प्रक्रिया क्या है, इसी को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिसके पास भी 2000 रुपये का नोट है, उन्होंने जब से ये समाचार सुना है कि 2000 रुपये का नोट जो है वो बंद हो गया, वो काफी परेशान है। तो आप लोगों को इस 2000 रुपये के नोट के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और 2000 रुपये का नोट अगर आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस वीडियो में सभी कुछ जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर 2000 का नोट जो है वो क्यों बंद किया गया है या इसे वापस क्यों लिया जा रहा है। तो 2000 रुपये का जो नोट वापस लिया जा रहा है, इसके बारे में जो कहा जा रहा है, जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि 2000 रुपये का जो नोट है वो इसीलिए वापस लिया जा रहा है क्योंकि इस नोट का जो है काम हो गया है, कि इस नोट ने अपना काम पूरा कर दिया है। और इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट इसीलिए वापस लिया जा रहा है क्योंकि 2016 में जो है नोटबंदी हुआ था और उसमें 500 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट जो है वो क्या किया गया था, 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट जो था उसको पूरी तरह से जो है इलीगल बता दिया गया था और बंद कर दिया गया था। तो इस नोट की जो पूर्ति करनी थी ना, कि जिन लोगों ने भी 500 रुपये का नोट या 1000 रुपये का नोट जो बैंक में जमा किया, तो सरकार को तो उसे पैसा देना था। मान लीजिए हम ही अगर 500 रुपये का नोट लेकर के गए बैंक में या 1000 रुपये का नोट लेकर गए बैंक में, तो हमें सरकार को तो पैसा वापस करना था। तो सरकार को जब पैसा वापस करना था तो उसके पास तो 500 रुपये का नोट नहीं था, 1000 रुपये का नोट तो नहीं था। अब मान लीजिए कोई आदमी है कि 1000 रुपये का अगर 20 नोट लेकर के गया बैंक में बदलवाने के लिए तो 20000 रुपया हो गया। और कोई भी व्यक्ति अगर 1000 रुपये का अगर 20 नोट लेकर के गया तो 20000 उसे जो है बैंक पैसा देता। तो बैंक के पास तो 500 रुपये का नोट था ही नहीं, 1000 रुपये का नोट था ही नहीं। बैंक के पास मान लीजिए 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट, और सबसे जो बड़ी कीमत की नोट थी वो कौन सी थी, 100 रुपये की नोट बची थी। अब मान लीजिए बैंक जो है इसको पूरा कैसे कर पाती, 100 रुपये का नोट दे करके इतने सारे लोगों को उतना पैसा कैसे उसको दे सकते थे। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया कि इस नोट की कमियों को पूरा करने के लिए, कि जो भी लोग है 1000 रुपये जमा किए या 500 रुपये का नोट जमा किए तो नोट की कमी होने लगी, तो इसीलिए बैंक ने क्या किया कि बैंक जो भी रुपया था ना उसका कीमत क्या क्या बढ़ा दिया, उन्होंने 2000 रुपये का नोट क्या क्या जारी कर दिया। अब 2000 रुपये का जैसे ही नोट जारी कर दिया तो इससे हुआ क्या कि हम जो भी पैसा लेकर के बैंक में गए 500 रुपये का नोट या 1000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए, तो बैंक के पास क्या हुआ कि पैसा जो है स्टॉक हो गया और जो भी लोग जितने भी पैसे जमा किए बैंक को, उन्होंने पैसा क्या किया वापस दे दिया। तो बैंक ये तर्क दे रहा, तो इस हिसाब से जो है इस तर्क को सही माना जा सकता है कि उन्होंने इस पैसे की पूर्ति को पूरा करने के लिए 2000 रुपये का नोट जो है वो उन्होंने छापा और इस क्षतिपूर्ति को जो है वो पूरा किया, कि जो भी लोग 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट जमा किए, बैंक ने उसको 2000 रुपये का नोट जारी करके सब लोगों को पैसा दे दिया। तो ये मेन वजह बताया जा रहा है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा या RBI के द्वारा, ये मेन वजह है कि 2000 रुपये का जो नोट था वो बस नोटों की कमी को पूरा करने के लिए जो है उसको लाया गया था और वो नोट का काम जो वो पूरा हो गया है। अब उस नोट को क्या किया जा रहा है, फिर से वापस लिया जा रहा है। उस नोट का काम हो गया है तो उस नोट को क्या कर रहा है बैंक या सरकार, वापस ले रहा है। तो ये है 2000 रुपये का नोट वापस लेने की प्रक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो डर गए हैं, बहुत सारे लोग है जो परेशान हो गए हैं कि हमारे पास अब 2000 रुपये का नोट है। बहुत सारे लोग हैं कि पिछले साल जिस तरह से नोटबंदी हुआ था, लोगों ने बोरा भर भर के पैसा फेंक दिया था, इधर उधर हो गया था, लोग वैसा ही करने वाले हैं और कर भी रहे हैं कई लोग, क्योंकि उसको जो है जानकारी नहीं है। तो आप लोगों के पास जो भी 2000 रुपये का नोट है, आप लोगों को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बैंक ने आपको भरपूर समय दिया है, आप जो अपने पैसे को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या है,
अगर हमारे पास 2000 रुपये का नोट है तो हम क्या करें, इसे कैसे हम जमा करें या कैसे बदले, या हम अपने नोट को बेकार होने से कैसे बचाएं। अगर हमारे पास 2000 रुपये का नोट है तो एक भी नोट हमें बेकार नहीं करना है, तो हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आरबीआई का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने, उन्होंने कहा है कि भाई 23 से लेकर के और 30 तारीख तक जो है आप अपने नोट को बैंक में जमा करवा सकते हैं। 23 मई से लेकर के और 30 मई का पहला जो टाइम है वो दिया गया है कि 23 मई से लेकर के आप 30 मई तक अपने 2000 का जो नोट है आप वो बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं या तो आप बदल सकते हैं। आप चाहे तो अपना नोट जो है जमा कर दीजिए या आप चाहे तो बदल दे, ये पहला टाइम बताया गया है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस कई लोग है ना, बहुत सारे लोग जो यही डेट देख करके डर गए हैं और बैंक में भीड़ लगा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि 23 से लेकर के 30 मात्र यहाँ पर जो है 8 दिन का समय दिया जा रहा है, 8-9 दिन का समय, तो लोग सोच रहा है कि बस इतना ही दिन में हमें क्या करना, पूरे पैसे को किसी तरह से बदलना है या अपने नोट को बचाना है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है 23 से लेकर के जो 30 का डेट दिया गया ये पहला डेट है, ये फर्स्ट डेट है। और आरबीआई ने कहा कि आपको जो है ये जो आपके पास 2000 रुपये का नोट है इसको जमा करने के लिए या बदलने के लिए फुल्ली 4 महीने का समय दिया गया है, 4 महीने का समय दिया गया। तो इसीलिए आप लोग जो है इधर उधर नहीं भटके, बैंक में भीड़ नहीं लगाए, हमारे पास कुल मिलाकर 4 महीने है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 महीने में हम आसानी से अपने नोट को बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि इसे बदलने का प्रोसेस क्या है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है तो हम क्या करें, हम किसी भी बैंक में जा करके, चाहे बैंक कोई भी हो या कोई भी शाखा हो, हम वहां पर जा करके 2000 रुपये का नोट क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और उसके बदले में जो है जो भी नोट हमें बैंक के द्वारा दिया जाएगा वो हम ले सकते हैं। तो हम किसी भी बैंक में, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास खाता नहीं भी है, जिस भी लोगों के पास अगर अकाउंट नहीं है वो लोग भी बैंक में जा करके और अपना नोट जमा करके और उसके बदले में पैसा ले सकता है। और जिसके पास बैंक अकाउंट है वो तो बैंक में जा करके पैसा जमा कर भी सकता है अपने अकाउंट में, या अगर जमा नहीं करना है उसे पैसा वापस लेना है तो 2000 रुपये के नोट के बदले में उसको जो है 500 का नोट हो या 100 का नोट है या 50 का नोट है, उसको जितना भी पैसा जमा करेगा उतना पैसा उसको बैंक से मिल जाएगा। तो जिसके पास बैंक अकाउंट है उसके पास दो ऑप्शन है, एक या तो अपने अकाउंट में जमा कर दे या तो उसे वो एक्सचेंज कर ले, बदल ले। और जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसको तो यही करना, एक्सचेंज करना। आप किसी भी बैंक के किसी भी शाखे में जाइए, अपना 2000 का नोट है वो दीजिए और वहां से आप जो अपना पैसा जो है वापस ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर कहा यह गया है कि एक दिन में आप ना 20,000 रुपये से ज्यादा आप जो है एक दिन में एक्सचेंज या जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो है एक बार के लिए कहा गया है कि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये आप बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो आप एक दिन में कई बार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दिन में हम 20,000 रुपये ही जमा करें या इसको एक्सचेंज करें। तो एक बार में कहा गया कि एक बार में आप 20,000 रुपये जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम एक दिन में कई बार कर सकते हैं। अब कई लोग जो है वो भ्रम फैला रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट जब हम वापस करने के लिए जाएंगे या जमा करने के लिए जाएंगे हमें क्या दिखाना होगा कि आईडी प्रूफ हमें दिखाना होगा, इसके बाद जो है आधार कार्ड दिखाना होगा। तो ये जो है सोशल मीडिया पर या मार्केट में या लोगों में जो ये भ्रम फैला दिया गया है, या यूं कहें कि कंफ्यूजन है, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से या मार्केट के माध्यम से ये भ्रम फैल गया है लोगों में कि जब भी हम 2000 रुपये का नोट अगर बैंक में वापस करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या आईडी प्रूफ दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं, हमें जो है एक फॉर्म भरना होगा। ये जो है ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है
कि कम से कम आईडी प्रूफ हमें दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा और एक फॉर्म भी भर के देना होगा। तो ये सब का सब क्या है, फेक है। आप लोगों को ये किसी भी प्रोसेस से गुजरना नहीं होगा, हमें कोई भी आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, आईडी कार्ड आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही फॉर्म भरने की जरूरत है, ये सब फेक है। तो अगर हम एक बात है कि अगर हम 50,000 रुपये से ज्यादा, अगर 50,000 रुपये से आप अधिक अगर जमा करवाने जाते हैं तो आपको क्या होगा कि पैन कार्ड दिखाना होगा। 50,000 रुपये से ज्यादा अगर आप जमा कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको क्या होगा भाई, पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं कि कम पैसे पर हमें फॉर्म भरना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा, आईडी प्रूफ दिखाना होगा, वो सब फेक है। 50,000 रुपये से ज्यादा अगर हम बदल रहे हैं या जमा कर रहे हैं तो हमें पैन कार्ड दिखाना होगा। तो ये 2,000 रुपये का जो नोट है उसको वापस लिया गया, इसके पीछे ये रीजन है, इसके बदलने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, 2,000 रुपये का नोट क्यों बदला गया, इसका फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि नोट बदलने के पीछे का वजह क्या है और नोट जो बदला जा रहा है या 2,000 रुपये का जो नोट बंद किया गया, इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, या भारत के लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।